नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव, एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो सवाल पूछते हैं कि सर मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें कि मेरी पत्नी गाली दे रही है, या फिर मेरा पति गाली दे रहा है, या फिर वो गलत हरकतों के बारे में कह रहा है। मेरे पास ऑडियो है, या फिर मेरे पास फोटो है, या फिर मेरे पास चैट है, ऐसे कई सवाल जाते हैं। तो वो ये सवाल पूछते हैं कि सर मेरा पास सब कुछ है ये, लेकिन मैं इसको किस तरीके से माननीय न्यायालय के समक्ष इसको पेश कर सकता हूँ, कोर्ट में कैसे दाखिल कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप अपने आप को धन्यवाद कहें, क्योंकि आपके पास ये सब कुछ मटेरियल है और इसको आपको कोर्ट में कैसे प्रोड्यूस करना है वो मैं आपको प्रोसीजर प्रक्रिया बता दूंगा। क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो ये भी नहीं जानता है कि मुझे किस तरीके से अपने कोर्ट में जो है अपने केस में ये साक्ष्य लगाना है, ये एविडेंस लगाना है। क्योंकि एविडेंस आपके पास होना और एविडेंस को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपके पास होगा, आपके पास वीडियो है, ऑडियो है, या व्हाट्सअप चैट है, या फिर किसी प्रकार की और कोई फोटो वगैरह हैं आपके पास में, तो अगर आपके पास आपने उनको उनके अपने पास ही रखा और न्यायालय में मतलब आप नहीं प्रोड्यूस कर पाए, या तरीके से प्रोसीजर नहीं कराया और फाइनल बहस में जो आपको ये कह दिया कि ये तो एडमिसिबल ही नहीं है क्योंकि ये आपने सही तरीके से नहीं लगाई है, तो आप सोच कर देखिए आपको कितना दुख होगा कि पूरा केस मैंने लड़ा, लड़ने के बाद लास्ट में मुझे पता लगा कि ये तो एडमिसिबल ही नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग मैं मतलब उनको कोर्ट पत्रावली पर दाखिल हैं, लेकिन वो एज अ एविडेंस नहीं कंसिडर किया जा सकते। तो आपको किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और किस तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से एडमिट करवाना है, क्योंकि अगर आप एडमिट कराएंगे कोर्ट में तभी ये सब चीज़ें कंसिडर होंगी, अगर एडमिट नहीं हुए तो ये कंसिडर भी नहीं होगी। लास्ट में आपको फाइनली यही मिलेगा कि अरे हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। बहरहाल बात करते हैं कि अगर आपके पास ऑडियो, वीडियो या चैट या फोटोग्राफ हैं तो कैसे प्रोड्यूस करना है कोर्ट के सामने। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपके पास वीडियो है तो वीडियो को आप किसी भी जो स्टोरेबल डिवाइस है उसमें आप रखें। रखने के बाद जैसे मतलब पेन ड्राइव है या कोई सीडी है या डीवीडी है, सीडी डीवीडी अब नहीं चलती है लेकिन अब पेन ड्राइव का समय है तो सीडी ड्राइव चलता है, आप उसमें उसको स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर करने के बाद जो है उसमें जो जो बातें कही गई, मतलब जिसके बीच में बातें चल रही हैं या फिर वो जो वीडियो में कहा गया है, वो एक एक चीज़ जो है आप अपना नरेट करें। नरेट का मतलब कि संवाद पत्र बनाएं और संवाद में एक एक चीज़ जो बात चीज़ आपके बीच चल रही है उन सब बातों को एक एक करके लिखें कि मैंने ये कहा, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, जो भी आपके बीच में सत्य बात हुई है वही चीज़ें वहाँ पर लिखें। और लिखने के उपरांत जो है उस चीज़ को बनाने के बाद एक पेन ड्राइव होगी आपकी, उसके बाद एक उसी के पास में सेक्शन 65 बी ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत आप अपना एक शपथ पत्र या फिर प्रमाण पत्र उसमें लगाएं कि मैंने जो चीज़ें हैं वो किसी प्रकार कोई एडिट नहीं हुई है, सब कुछ सत्य है और ये इसको मैं माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, प्रोड्यूस होने योग्य हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप कहेंगे तो आपका जो वीडियो है वो पत्रावली पर दाखिल हो जाएगा, और दाखिल होने के बाद जब आपका जिरह या बहस होगी आपके राय में तो वो एविडेंस आपके कंसिडर होगा और आपको एविडेंस के अकॉर्डिंग ही आपको न्याय दिया जाएगा। ये बात हुई वीडियो की। इसी प्रकार से अगर आपके पास ऑडियो है तो ऑडियो को भी आप इसी प्रकार से उसका बनाएंगे, पहले उसको ऑडियो को पढ़ेंगे, सुनेंगे, सुनने के बाद उसका जो नरेशन है वो बनाएंगे, और उसके बाद फिर सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट लगाएंगे। ये इस तरीके पूरा प्रोसीजर प्रक्रिया करेंगे तब ये दोनों चीज़ें एडमिट आपकी हो जाएंगी पत्रावली पर कोर्ट में। तीसरा, अगर आपके पास कोई फोटोग्राफ है तो फोटोग्राफ भी आप इसी तरीके से जैसे भी हैं उसको वैसे ही प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद आप या तो उसका ओरिजिनल फोटो बनवा लें या फिर किसी पेपर पर या फिर जो डॉक्यूमेंट है उस पर आप उसको प्रिंट करवाएं, और प्रिंट कराने के बाद फिर इसके साथ भी सेक्शन 65B का आप जो सर्टिफिकेट है वो आप देंगे, और तब जो है इसको एडमिट ऑनरेबल कोर्ट द्वारा कर लिया जाएगा। क्योंकि ये इसमें भी एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, अर्जुन पंडित वर्सेस कोसराव, ऐसे नाम है पूरा अर्जुन पंडित का, मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है जिसमें कि स्पष्ट रूप से कहा गया कि अगर आप डिजिटल कोई भी रिकॉर्ड ऑन पत्रावली या फिर रिकॉर्ड पर आप लेना चाहते हैं तो उसको आपसे आपको सेक्शन 65 का जो बी का जो एफिडेविट है वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब आपकी ये चीज़ें कंसिडर होंगी। बहरहाल बात करते हैं, अगर फोटो हो गई ऐसी इसी प्रकार से अगर चैट है आपकी तो चैट भी आपको एक फोटोग्राफ हो गई यानी कि डिजिटल से संबंधित हो गया तो उसको उसके साथ भी आपको सेक्शन 65B का ही सर्टिफिकेट आपको माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये एक प्रक्रिया है जिसमें आप अपना ऑडियो, वीडियो, फोटो या फिर किसी प्रकार की चैट, ये सब चीज़ें आप
न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं, और दाखिल करने के बाद इस इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा और इन्हीं के अकॉर्डिंग पर आपको जस्टिस यानी कि न्याय दिया जाएगा। ये एक प्रक्रिया है। और आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विचलित हो जाते हैं कि सर हमारी बात सुनी नहीं जाती है। नहीं, आप कोर्ट पर विश्वास रखिए। मैं कहता हूँ कोर्ट अगर आपके आपके प्रति थोड़ा सा ऐसा व्यवहार है जैसे कि डांटने वाला है, तो आप ये समझिए कि आपको ये वरदान है। आपके साथ में आपकी जो कमियां छोटी छोटी कर रही हैं उन कमियों को सुधारने का आपको एक मौका मिल रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को समझिए और समझने के बाद में न्यायालय में जो भी जजमेंट या फिर निर्णय आपके पक्ष में या विपक्ष विपक्ष जो भी आ सकता है वो आपको समझना है कि वाकई मेरे साथ गलतियाँ क्या हुई हैं, या फिर अगर आपके पक्ष में हो सकता होता है तो आपको समझना है कि वाकई मेरे साथ में जो हुआ सही हुआ। निर्णय तो लास्ट में आता है लेकिन लड़ना आपको प्रक्रिया पूरी होती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल आपके मन में है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और पूरी जानकारी पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपको एक चीज़ समझ आ सके। तो बस इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।